हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू कर्स्ट फॉर लर्निंग आज हम एक्टिव और पैसिव का सेकंड पार्ट करेंगे सेकंड पार्ट करने से पहले फर्स्ट पार्ट में हमने जो पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं अब तक हमने यह जाना कि केवल ट्रांजिटिव वर्ब की ही वॉइस बनती है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट होता है जबकि इन ट्रांजिटिव में कोई ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद नहीं होता वॉइस एक्टिव और पैसिव दो प्रकार की होती है जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन करता है तो सब्जेक्ट एक्टिव होता है परंतु जब सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन किया जाता है यह सब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एक्शन होता है तब यह इनएक्टिव होता है वाइस बनाने के लिए हमेशा वर्ड वर्ग थर्ड फॉर्म ही लगती है एस ओ बी को आपने याद रखना है आज हम प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस की वॉइस के रूल जानेंगे प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस में एक्टिव से पैसेवाइस बनाने के लिए हमने इज एम आर और बर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है आई के साथ एम का प्रयोग होगा ही शी इट और सिंगुलर नॉन के साथ इज लगेगा जबकि वी यू दे और पलूरल नॉन जितने भी हैं, उनके साथ हमने आर का प्रयोग करना है असर्टिव सेंटेंसेस और सिंपल सेंटेंस की वॉइस जब हम बनाएंगे एक्टिव से पैसिव तो ये रूल फॉलो करने है एक्टिव वॉइस एक्टिव वॉइस में हमने क्या करने फर्स्ट फॉर्म ऑफ बर्व प्लस एस और ई एस लगाना है जब इसकी पैसि वॉइस बनेगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्व लेट एस सी द एग्जाम्पल्स ये एग्जाम्पल्स हम देखते हैं पहला है ही लाइक्स मी ही सब्जेक्ट लाइक्स मी ऑब्जेक्ट पैस वाइस बनानी है ही चला जाएगा मी के जगह मी ही की जगह तो मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जब सब्जेक्ट बनेगा तो आई होगा आई अब आई के साथ एम लगेगा आई एम लाइक्ड बाय हिम थर्ड फॉर्म लग गई बर्ब की दे सिंग sing दे सिंग a song सिंगुलर a song. A song, है इज by them देम song इज sung by देम आई नो हिम अब यहां पे एक्सेप्शन है यहां पे बाय नहीं लेगा आई हिम की जगह हिम का बन जाएगा ही सब्जेक्ट मैंने बताया पहले प्रोनाउन कैसे चेंज होने सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में ही इज नॉन टू मी अब बाई नहीं लगा यहां पे एक्सेप्शन है ही इज नॉन टू मी हो जाएगा शी लाइट्स द कैंडल शी लाइट्स द कैंडल कैंडल इज ऑल्सो सिंगुलर द कैंडल इज लाइटेड बाई हर थर्ड फॉर्म ऑफ बर्व ही लग रही है जब पैसि बना रहे हैं आई डू माई ड्यूटी माई अंडरस्टूड जब भी पैसिवाइस बनेंगे ड्यूटी इज डन बाई मी माई को हमने हटा देना है नेगेटिव सेंटेंसेस की पैसिवाइस जब आपने बनानी है तो आपने हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है एक्टिव वॉइस में आपके पास सेंटेंस है ही डजेंट फ्लाई काइट्स ही जैसा मैंने पहले बताया सब्जेक्ट डजेंट हेल्पिंग वर्ब फ्लाई मेन वर्ब काइट्स ऑब्जेक्ट काइट्स ऑब्जेक्ट पलूरल है पलूरल के साथ आर लगेगा हेल्पिंग वर्ब काइट्स आर नॉट फ्लॉन वाई हिम ही का ऑब्जेक्ट हिम बन जाएगा पतंगे उसके द्वारा नहीं उड़ाएगी सेकंड में देखो आई डोंट टीच हर हर ऑब्जेक्ट है हर का सब्जेक्ट शी बनेगा शी के साथ इज लगेगा शी इज नॉट टॉट बाई मी आई का बन जाएगा ऑब्जेक्ट मी और हर का सब्जेक्ट बन जाएगा शी वह मेरे द्वारा नहीं पढ़ाई गई यू डोंट चीट मी आई एम नॉट चीटेड बाय यू मुझे आपके द्वारा धोखा नहीं दिया गया राम डज नॉट टेल इ लाई लाई इज नॉट टोल्ड बाय राम राम के द्वारा झूठ नहीं बोला गया शी डज नॉट एव्यूज यू यू आर नॉट एव्यूज बाय हर आपको उसके द्वारा गाली नहीं दी गई ये सेंटेंस नेगेटिव में ऐसे ही बनेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ बॉब डू और डस का प्रयोग पैसे वॉइस में नहीं होता है एक्टिव वॉइस डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ बर्ब पैसे में इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ बर्ब. सेंटेंस आपके पास है डू यू स्कोल्ड मी क्या आप मुझे डांटते हैं मी आपके पास जब सब्जेक्ट बनेगा तो एम लगेगा इसके साथ और इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही रहेगा एम आई स्कोल्ड बाय यू क्या मैं आपके द्वारा डांटा गया हूं डज ही बाई ए बुक ये बुक भी सिंगुलर है इज लगेगा इज अ बुक बॉट बाई हिम ही का बन जाएगा हिम क्या किताब उसके द्वारा खरीदी गई है डी प्लग फ्लास अब फ्लास आपके पास प्लूरल है इसलिए इसके साथ आर लगेगा आर फ्लास प्लग वाई हर क्या फूल उसके द्वारा तोड़े गए हैं ये आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे ऐसे साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगेगा लास्ट में डू और डस वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की पैसी हमने बनाई मान लिया अगर वेन वेयर ई हाउ वाले एक्टिव आते हैं तो उनकी पैसिवाइज कैसे बनानी है वेन वेयर वाई हाउ इज यूज बिफोर हेल्पिंग बब इन पैसिवाइज ये हेल्पिंग बॉब से पहले लगेंगे सेंटेंस देखो वेन डू यू ईट योर ब्रेकफास्ट आप अपना नाश्ता कब करते हो इसकी पैसिवाइस बनेगी तो वैन का तो वैन ही रहेगा मैंने बताया ना कि ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से पहले ही लगेंगे वेन योर ब्रेकफास्ट है तो सिंगुलर है वेन इज योर ब्रेकफास्ट ईटन वाई यू आपके द्वारा ब्रेकफास्ट कब किया जाता है वाई ही टेल लाइज लाइज प्लूरल है वाई तो वाई रहेगा पैसीवाइस में भी पर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा वाई आर आर क्यों लगा लाइज है लाइज प्लूरल है वाई आर लाइज वर्ब की थर्ड फॉर्म टेल टोल्ड 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 बाई हिम वाई आर लाइज टोल्ड बाई हिम उसके द्वारा झूठ क्यों बोला जाता है हाउ डू यू प्रिपेयर टी आप चाय कैसे तैयार करते हैं हाउ स्टीपेयर आपके द्वारा कैसे तैयार की जाती है वियर डॉ कीोगेशन लगाना सभी में वियर इज हर मनी कैप्ट बाई हर उसके द्वारा पैसा कहा रखा जाता है ये बन गए वेन वियर वाई हाउ वाले सेंटेंस पैसेवाइज वर्ट और विच वाले सेंटेंसेज की जब भी हम पैसिवाइज बनाते हैं तो वर्ट एज ऑब्जेक्ट इन एक्टिवाइज होता है और एज सब्जेक्ट इन पैसिवाइज होता है और बाद में हेल्पिंग वर् लगाया जाता है इसी तरह विच के साथ नॉन लगाया जाता है उसके बाद हेल्पिंग वर्ग यूज किया जाता है लेटर सी द सेंटेंसेस वर्ट डू यू सी वर्ट यहां पर एज ऑब्जेक्ट काम कर रहा है आप क्या देखते हो वट इज सीन वाय यू यहां पे सब्जेक्ट काम कर रहा है वट आपके द्वारा क्या देखा गया है विच के साथ पेन नॉन है Which pen do you like? आप कौन सा पेन पसंद करते हो विच पेन इज लाइक्ड बाय यू आपके द्वारा कौन सा पेन पसंद किया गया है आप देखो दोनों में एक में व ऑब्जेक्ट है एक्टिव में पैसे में सब्जेक्ट और बीच पेन के साथ यूज हुआ है नॉन और विच साथ में है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है हु और होम, जब भी पेसिवाइस बनाते हैं तो हु बाय होम में कन्वर्ट हो जाता है होम हु में सेंटेंस देखिए हु हुईजेज यू हु यहाँ पे एस सब्जेक्ट यूज हुआ है सिंगुलर है एडवाइस के साथ एस लगा है हुवाइजेज यू आपको कौन सलाह देता है पैसे में बन गया बाय होम बाय होम आर यू एडवाइज आपको किसके द्वारा सलाह दी जाती है हुम हुम डू यू कर्स आप किसको शाप देते हो में बदल जाएगा पैसे वाइस में हु इज कर्स्ट बाई यू आपके द्वारा कौन शापित किया गया है हु यू इंग्लिश आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश आपको इंग्लिश किसके द्वारा पढ़ाई जाती है ये वाले सेंटेंसेस हो गए हियर आई एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सी यू नेक्स्ट वीडियो टिल देन गुड बाय